अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, मैं हूं नदीम इकबाल और हिस्ट्री पॉइंट में आज मैं थोड़ा सा अपने मौजू से हट के एक शो कर रहा हूं, जिसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं उनको उजागर करना चाहिए, वो जो कोई भी काम करते हैं उनको याद रखने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। तो जिस तरह ये एक हॉस्पिटल है, पासपीडा MMC लीवर हॉस्पिटल, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम इस पर काम होता है लीवर पे। 2018 में शिवाशरी साहब ने एक हॉस्पिटल बनाया था लीवर का, और आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये ताजपुरा स्कीम है, और यहाँ एक हॉस्पिटल बना लीवर के लिए, और वो बनाया डॉक्टर मोहम्मद जबील साहब ने। वो फ्लाई काम करते हैं और इतने अच्छे काम करते हैं कि कोई भी चीज़ है वो किसी मामले में भी, वो जब कोई मुसीबत आती है हमारे मुल्क में तो वो पूरी भरपूर साथ देते हैं, पूरे तरीके से हमारा साथ देते हैं। और जिस तरह वो टीबी पे काम कर रहे थे, इसी तरह उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है लीवर के ऊपर, ये काम कर रहे हैं, एक लीवर हॉस्पिटल बनाया, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और इनसे पूछते हैं डॉक्टर जमील साहब से कि किस तरह इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई और कितने लोग इस प्रोजेक्ट में इनके साथ हैं। आए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िन, मैं आ गया हूँ लीवर हॉस्पिटल के बारे में, जो मैंने आपको डिटेल बताई थी। डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब मेरे साथ हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि ये हॉस्पिटल बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई, इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ, आपके तवस्त से जो अपना जो आइडिया है वो सब लोगों का इसको पहुँचा सकें। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान और मिस्र सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के पेशेंट यहाँ पाए जाते हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन हर सातवां मरीज़ जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत मौजी मर्ज है। अगर हम इसको शुरू से ही डिटेक्ट कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर लेट हो जाएँ तो जिगर का कैंसर और जिगर सुकड़ जाना वगैरह जैसी बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं, और ता हयात फिर दवाई खाना पड़ती है और मिजरी अलहदा होती है। हमारा जो मकसद है, हमने जब ये आज से 8 साल पहले ये काम शुरू किया था 2013 में, तो उस वक़्त मसला यह था कि हम मरीज़ों को फ्री इलाज किसी तरह भी पहुँचा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से चलते चलते हमने इसको पहले क्लिनिक पे शुरू किया, अल-मक्की अल-मदनी के फोरम से क्लिनिक पे शुरू किया। इसके बाद हमारे साथ हमारे एक दोस्त ऑर्गेनाइजेशन है पासपीडा, वो हमारे साथ ज्वाइन किया, तो आज उनके कोऑपरेशन की वजह से, उनकी मेहनत काबशू की वजह से हम ये हॉस्पिटल बना चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जो नॉलेज में है, जो मैंने स्टडी किया है, कि ये इसके इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है, ये बड़ा कॉस्टली होता है, तो इसको रन करने के लिए बड़ी ही मुश्किलें पेश आती हैं, तो आप किस तरह इसको रन करते हैं? बेसिकली जब हम इसको देखते हैं तो वाकई इसका इलाज बहुत महंगा है, लेकिन जब अब एक तरीके से इसको चलाने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि हम इनकी जितनी भी मेडिसिन है वो हम डायरेक्ट कंपनी से प्रोक्योर करते हैं, और उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस पे पेशेंट को ये दे देते हैं। और हमारा चूँकि मकसद लोगों को ये दवाइयाँ फ्री पहुँचाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, दूसरे लोग हैं, वो इतना कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि हम अपने लोगों को आलमोस्ट हर माह 200 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिनको फ्री ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। ये हम एक प्राइवेट क्लिनिक को पहले इसको उसकी मदद ले रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो हॉस्पिटल शुरू हो गया है तो उसमें हमारा इरादा है कि हम हर महीने 500 पेशेंट को फ्री हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट दिया करेंगे। इसके अलावा दूसरे तरीके का ये होता है कि चूँकि हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की हुई है, बस ये थे डॉक्टर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे साथ लाइजान है, हम उनको उनकी मदद लेते हैं। जैसे अगर किसी को गैस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत है या इस तरह की चीज़ की ज़रूरत है, तो जो हमारे अपने प्रोफेसर साहबान हैं वो इसमें मदद देते हैं, हम सर्विस हॉस्पिटल से इसकी मदद ले लेते हैं।
इसके अलावा अगर किसी को इंटरवेंशन की ज़रूरत है, हत्या के लीवर ट्रांसप्लांट तक के लिए हम लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये भी है कि हम जितना अर्जा उसको सपोर्ट कर सके वो कर रहे हैं हम। अच्छा डॉक्टर साहब, 2018 में शहबाज शरीफ साहब ने एक हॉस्पिटल बनाया बेतिया रोड पे, और ये रिच जगह पे बनाया जाता है जिससे डिफेंस है, दूसरी जगह उसको अप्रोच करती हैं, और बहुत ज़्यादा जो सीरियस पेशेंट होते हैं वो इंडिया जाते हैं लीवर हॉस्पिटल के। आपने इस जगह और ऐसे इलाके में बनाया ताजपुरा स्कीम में, इसकी क्या वजह थी? पहले तो यह है कि ये जो लाहौर का जो नॉर्दर्न एरियाज है, ये वाकई डिप्राइव्ड एरिया है, और जिस जगह हम लोग रहते हैं यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गुर्बत है, और यहाँ ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं हैं, ज़्यादातर लोग अनपढ़ और ये कोएक्स डॉक्टर्स के रहम करम पर हैं, जो कि ट्रीट करना तो दूर की कर बजाते खुद रोज़ाना हेपेटाइटिस के पेशेंट पैदा कर रहे हैं। हमने ये और एक एनालिसिस के मुताबिक इर्द गिर्द की जो हमारी आबादी है वो 10 लाख से ज़्यादा की बन जाती है, और WHO के अदाद व शुमार के साथ देखा जाए तो इस एरिया में तकरीबन 70,000 के करीब जो है वो हेपेटाइटिस के पेशेंट मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेड़ा उठाया है, अल्लाह के फजल से हम इन 70,000 को फ्री ट्रीटमेंट देने का हौसला भी रखते हैं, और हमारी पूरी स्ट्रेटजी है और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है आप इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं, और आप और लोगों को इसके बारे में मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो यह है कि मैं अपने हॉस्पिटल को ही पूरी तरह आपको बताता चलूं कि ये हॉस्पिटल हमने इसको जनरल हॉस्पिटल भी साथ रखा है, क्योंकि हेपेटाइटिस के पेशेंट को ये बड़ी मुसीबत होती है कि अगर कहीं भी वो चला जाता है तो उसको पता चलता है ये हेपेटाइटिस का पेशेंट है, तो उसको फौरी तौर पर जी फलाने जगह चलो, गायनी का पेशेंट है तो फलाने जगह चले जाओ, अगर उसको सर्जरी है तो ये प्रॉब्लम है। हमने यहाँ 8 मल्टी डिसिप्लिन स्पेशलिस्ट आउटडोर साथ शुरू किए हैं, 4 रेगुलर बेसिस पे हुआ करेंगे, और 5 जो है वो हमारे अभी शुरू में डेली बेसिस जो है ना हफ्तावार वो आया करेंगे और पेशेंट को देखा करेंगे। इसके अलावा हमने डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ लाइजन किया हुआ है, और अपने पेशेंट को वहाँ उनको टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे तमाम डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर FCPS से कम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें विज़िट कराएंगे हॉस्पिटल का? जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको विज़िट भी कराता हूँ, दिखाता हूँ कि हमने एक छोटी सी जगह पे, ये बुनियादी तौर पे ये छोटी सी जगह नहीं है, आप ये देख लें कि ये किसी भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल का OPD वर्क करेगा, क्योंकि जो पेशेंट यहाँ से डायग्नोज होंगे या जिसको टर्शियरी केयर की जो कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी वो हमारे लाइजन में है, सर्विस हॉस्पिटल है, दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, तो हम उनके साथ पेशेंट वहाँ रेफ़र करेंगे और हमारे पेशेंट वहाँ पूरी तरह एंटरटेन होंगे। हम इस हॉस्पिटल को 3 फेजेस में हमने रखा है। अभी हमारा फर्स्ट जो है वो है सिर्फ OPD बेस्ड पोली क्लिनिक हॉस्पिटल, जिसमें 9 स्पेशलिटीज़ काम करेंगे। इसके बाद हम इसको हाईटेक लैब इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, जिसमें लैब होगा, CT स्कैन होगा और अल्ट्रासोनोलॉजी होगी, और इसके बाद थर्ड फेज पे जाके हम इसको इंटरवेंशन करेंगे, जैसे उसमें एंडोस्कोपीज हैं, गैस्ट्रोस्कोपीज वगैरह, ये सारा कुछ हम यहीं करेंगे, और साथ में इंडोर हॉस्पिटल तीसरी फेज़ में शुरू होगा। ये कब होता है? अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि ये जल्द ही, और हो सकता है कि इस साल के आखिर तक ही हम ये सारा कुछ कर लें। चलें नाज़रीन, आपको विज़िट करते हैं हॉस्पिटल। बता चलूँ कि चूँकि कोरोना क्राइसिस चल रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल की जो भी हमने थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये बोली क्लिनिक OPD टाइप होगा, और जिसमें तकरीबन 9 सब स्पेशलिटीज आएंगी। अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ ऐसे हो गए, लॉकडाउन हो गया, तो हमने इसको एक बड़े लिमिटेड तरीके से शुरू कर रहे हैं। हमने सिर्फ इस वक्त जनरल OPD और फैमिली मेडिसिन को काम कर रहे हैं, और इसमें हमने तमाम हिफ्जान सेहत के असूलों को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बाहर बताता चलूँ, आप ये देख रहे हैं कि हमने बाहर जो है हॉस्पिटल के बाहर एक लंबी सी जगह है, जो उस पर स्पेशियस होने की वजह से 6 फुट पे हमने कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, और आने वाले तमाम पेशेंट इस पर बैठ जाते हैं। हमारा ये जो लड़का है, ये उसके पास टेम्परेचर गन मौजूद है, ये पहले टेम्परेचर गन से देख, फेब्राइल पेशेंट तो नहीं है। अगर किसी पेशेंट को टेम्परेचर है तो फिर उसकी एक हिस्ट्री हम लेते हैं कि वेदर के वो बाहर का उसका 14-15 दिन में कोई टूर तो नहीं किया, कोई चाइना से, इटली से कोई उसके पास कोई मिलने तो नहीं आया, तो यानी हाई रिस्क पेशेंट की एक प्रोफार्मा है, उसको फॉलो करते हैं, और अगर खुदा ना हो ऐसा मिल जाएगा तो हम उसको फौरी तौर पर सर्विस हॉस्पिटल या मेयो भिजवा देंगे।
अदरवाइज पेशेंट को जो है ना हमारे डॉक्टर साहब अंदर मौजूद हैं उसको देखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं सेक्शन काउंटर है, यहाँ हमारे एक ये तमाम पेशेंट जो है वो 6 फीट का फैसला हमने रखा हुआ है और मास्क हमारा मस्ट है। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। ये हमारी कंप्यूटर है, स्लिप बनेगी, यहाँ अंदर आ जाए। ये जो स्लिप बनती है इस पे हमने रमज़ान पैकेज फ्री है, हम किसी किस्म की दवाई के और चेकअप के कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। ये हमारा वेटिंग एरिया है, हम एक वक्त में यहाँ सिर्फ 8 पेशेंट को जो है ना एंटरटेन कर रहे हैं और हमने कोशिश की है कि जिस तरह भी हो सके इनका जो डिस्टेंस है उसको हम ना फॉलो कर सकें। ये इसके बाद ये हमारा इस वक्त एक ही रूम फंक्शनल है, ये हमारे जो जनरल फिजिशियन फैमिली मेडिसिन है जी, ये पेशेंट है जो जी जी, ये हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन रूम है, यहाँ डॉक्टर काशिफ साहब बैठे हैं, ये FCPS हैं। और आज का दिन मतलब अभी शुरू के दिन में सिर्फ जो हमारे जनरल फिजिशियन के तौर पे ये काम कर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि चाहे जनरल फिजिशियन हो, फैमिली मेडिसिन हो या कोई स्पेशलिटी हो, मिनिमम FCPS 1 जो है ना उसकी हमने वो फैसिलिटी इसके लिए रखी हुई है। हमने इनको पूरी तरह जो PPEs हैं कोरोना PPEs इनको प्रोवाइड किए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से आजकल जो कोरोना क्राइसिस हैं उससे हमारी बचत हो सके। यह हमारा इसके लिए हमारा अल्ट्रासाउंड का रूम है, अगर ये अभी इक्विपमेंट नहीं है लेकिन इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ हम बेहतरीन जो तोशीबा वेरियो की एक मशीन होती है वो हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे और FCPS डॉक्टर अवेलेबल होंगे। जब पेशेंट डॉक्टर से चेक हो जाता है तो हमने पेशेंट को स्कैटर्ड किया हुआ है, ये हमारा बेसमेंट है और यहाँ हमारी डिस्पेंसरी है और लेबोरेटरी है। हम ये हमारा डिस्पेंसरी है जी, इसमें हमारे पास ये जो वर्क कर रही हैं ये खतून ट्रेंड मेडिकल टेक्नीशियन है, डिस्पेंसर हैं और तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है जिस पे ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इनके साथ असिस्टेंट में हैं जी, हमने रमज़ान के महीने में जितने भी पेशेंट हैं उन सबको फ्री दवाई मिलेगी, फ्री कंसल्टेशन मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कि सब पेटेंट मेडिसिन है और सब ब्लिस्टर पैक है, कोई ओपन मेडिसिन हम नहीं देते हैं। और हिफ्ज़ान सेहत के जितने भी असूल हैं वो सारे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी मदद करे इंशाल्लाह। सर कम्प्लीटली हम बिल्कुल रेडी हैं, चूँकि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं किए जा सकते थे इसलिए हमने इसको बड़ा लिमिटेड तरीके से चलाने की कोशिश की है। ये आपको राइट साइड पे देखें, ये हमारा मेडिकल स्टोर है, अभी तक ये एम्प्टी है लेकिन उसमें हमने एक कोशिश की है कि तमाम लोगों को 20% डिस्काउंट पे तमाम मेडिसिन हम प्रोवाइड किया करेंगे, स्पेशली ये जो जिन्हें सारी ज़िंदगी दवाई खानी होती है उनके लिए इनको फ्री मेडिसिन दिया करेंगे हम जी। अब ये बताते चले कि ये हमारा लेबॉरेटरी सेक्शन है, ये यहाँ ये बेसिकली लेबॉरेटरी कलेक्शन पॉइंट है जी। हमने ये कोशिश की है कि क्वालिटी किसी जगह भी सफ़र ना करे, तो ये एक कलेक्शन पॉइंट है जहाँ हम हर तरह के सैंपल लिया करेंगे और किसी भी जो अच्छी लैब है उनके साथ हमारे लाइसेंस हैं वो हम उनको पेशेंट को मार्केट से 30% डिस्काउंट पे वहाँ से टेस्ट करवा के दिया करेंगे। जी हम ये हेपेटाइटिस का जो टेस्ट है ना, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो स्क्रीनिंग है इस हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री करते हैं। अच्छा। और उसके बाद हेपेटाइटिस का एक टेस्ट होता है PCR, काले या कान का टेस्ट होता है PCR। हमें इस टेस्ट में पता चल जाता है स्क्रीनिंग में कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, उसके बाद उसका PCR होता है, अगर उसको बी है तो बी का PCR होता है, सी है तो सी का PCR होता है। मार्केट में PCR का रेट कम से कम 6,000 रुपये है, हम PCR यहाँ पे 2,000 रुपये में करते हैं। और उसके बाद जिसको हेपेटाइटिस सी का मसला होता है, PCR डिटेक्टेड आता है, उसको हेपेटाइटिस की दवाई भी यहाँ से फ्री दी जाती है।
जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ जो लीवर हॉस्पिटल है उनके चेयरमैन मेरे साथ हैं आबद हमीद साहब खान साहब, तो इनसे हम बात करते हैं कि ये हॉस्पिटल इसी जगह बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया। बेसिकली हम पिछले 3 साल से लीवर के पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन दे रहे थे। ये डॉक्टर साहब डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब हैं, ये माशाल्लाह बड़े खिदमत गुजार लोग हैं, यहाँ पे जितने गुरबा हैं उनके लिए बड़ा इन्होंने काम किया। तो उनका एक विजन था कि गुरबा को जो ख़ासकर जो पेशेंट हैं उनको फ्री में मेडिसिन मिलती है, तो वो हम 3 साल फ्री में मेडिसिन तो डॉक्टर साहब ये सारा करते रहे, टोटली फ्री टेस्ट वगैरह मेडिसिन वगैरह। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाएं जिसमें हम लीवर के मतलब तमाम डिजीज़ जितनी भी हैं उनके तमाम पेशेंट को टेस्ट मेडिसिन एवरीथिंग हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हम प्रोवाइड करें। तो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की क्योंकि इसके सामने हमारे जितनी पीछे जितनी आबादी है वो सारी कच्ची आबादी है, और हम चाह रहे हैं कि उसके करीब हम इसलिए आए हैं कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सकें। अच्छा खान साहब, ये जो हॉस्पिटल होता है ये लीवर की जो बीमारी होती है आप सबको पता जो पढ़ते हैं ये बहुत कॉस्टली होती है, इसको रन करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आप किस तरह फेस करते हैं इसको? बेसिकली डॉक्टर साहब जो इस पर डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हमारे पास कुछ दोस्त मुहैया हजरात के हमारे साथ तआवुन है, तो उसके साथ हम मिल के इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक डॉक्टर साहब बताएंगे कि कमोबेश 1000+ लोगों को हम फ्री ट्रीट करके सेहतयाब कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उनको सेहत दी वो अपने घरों में बिल्कुल सेहतयाब है। और हमारा विजन है कि जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें उतना हम कोशिश है कि इस बीमारी को पाकिस्तान से ख़त्म करने में हम अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।